हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डॉल सजाना बताऊंगी, वो भी फॉर्म शीट से। और जिसके लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एक हमको डॉल चाहिए रेडीमेड, और फॉर्म शीट चाहिए, और एक बोतल चाहिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल चल जाएगी इसमें। और उसके बाद कुछ स्टोन्स चाहिए। ये देखिए, ये मैंने कुछ इस तरह के स्टोन्स लिए हैं, ये वाले चाहिए, आप किसी भी तरह के ले सकती हैं। और उसके बाद एक ग्लू गन चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने फॉर्म शीट ली है, इसमें से हम पीसेस कट करेंगे, वो मैं भी आपको कट करना बताऊंगी। तो देखिए, जो हमने फॉर्म ली है, इसको हम सबसे पहले डबल कर लेंगे। इसमें करीबन आधा मीटर फॉर्म लग जाती है। तो देखिए, हम यहाँ से 4 इंच पे एक ये निशान लगा लेंगे और इस फॉर्म को सीधा कट कर लेंगे पहले हम। डबल करके निकालते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, अब ये हमने डबल कर ली है। अब इसमें से हम निशान लगाएंगे। अब देखिए, हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे फॉर्म में, और इसी तरीके से आप अंदाजे से भी निशान लगा सकती हैं। और इनको देखिए, हम इस तरीके से सीधा कट कर देंगे ऐसे। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो आप निशान लगा के काटें। ऐसे मैं इसमें से बहुत सारे पीस कट कर लूंगी। और सॉरी, एक स्ट्रेपलर चाहिए जिससे हम इसको पहले पिन अप करेंगे। इस डबल फॉर्म में से ही हम 2-3 लेयर इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए, ये हमने फॉर्म सीट जो कट की थी, इसको अलग अलग करना है, मतलब डबल नहीं लेना, सिंगल पीस करना है। और इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इस तरीके से करके, और इसको हम ऐसे पिन अप कर लेंगे स्टेपलर की सहायता से। और ये हमको मतलब बहुत सारे पीसेस में इसी तरीके से ये पिन अप करना है पहले। अब देखिए, ये जितने भी मेरे पीसेस हैं, इनमें मैं इसी तरीके से पिन लगा के और इनको मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगी पहले। अब देखिए, सबसे पहले जो इसमें कपड़े पहने थे वो मैंने इसमें से काट दिए हैं, और इसको मैंने पेन से इसे सेट कर दिया है। अब देखिए, एक मैंने ये पीस लिया है ऐसा, और इसको देखिए हम इस तरीके से नार के पीछे का निकाल के और इस तरीके से ऐसे लपेट देंगे, जैसे हम सॉल लपेटते हैं। इस पीस को इधर और इस पीस को इधर, और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे, ये वाली पिन इस तरीके से लगा देंगे। एक और पिन लगाएंगे ऐसे, और बाद में इसे हम डेकोरेट तो करेंगे ही, तो थोड़ा बहुत फॉर्म है जो वो उससे सेट हो जाएगा। अब देखिए, इसकी ऊपर की बॉडी सेट हो चुकी है। अब जो मैंने बोतल ली थी, उसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने कट कर दिया है, नार वाला। अब उसके बाद हम इसको, इस डॉल को इसके भीतर डालेंगे इस तरीके से। मैंने इसमें कट लगा लिए हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो हम इस कट को हटा सकें। अब देखिए, जो हमने डॉल ली थी, अब हम यहाँ पे ऊपर से ग्लू गन लगाना चालू करेंगे यहाँ से। और देखिए, ये जो हमने फॉर्म के काटे थे, इनको हम इस तरीके से लगाएंगे। इसके हाथ को हम ऊपर कर लेंगे, और ये हमको एक एक राउंड ऐसे घुमाते हुए लाना है।
ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पीस हमारे बराबर हों, आप इन्हें बराबर भी कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से, पहले मैं इनको बराबर कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए मैंने इतने पे ही लगा ली है, अब हम फिर से लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दे के लगानी है। देखिए मैंने इतने लगा लिए हैं, अब मैं फिर से लगाऊंगी इसी लाइन को दूसरे को। ये देखिए हमने इतनी लगा ली हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, और इसे आप अपने घर के लिए ज़रूर बनाएं, इससे बहुत प्यारी लगती है बनने के बाद में, इसे डेकोरेट करते हैं तो। और ये छोटे मोटे सामान हमको ज़रूर बनाने चाहिए कि हम जो हम ये आप एक्स्ट्रा फॉर्म सीट से भी बना सकती हैं, जैसे हमारी एक्स्ट्रा फॉर्म सीट निकलती हैं। देखिए इसी तरीके से सीधा करके, और हम इसे पूरे बोतल को डेकोरेट करेंगे पहले ऐसे ही, ये फॉर्म सीट से ही। ये देखिए मैंने इसको इतना सजा लिया है, और नीचे का जो इसका बॉटम है उसको भी मैं इसी तरीके से सजाऊंगी। और अगर ग्लूगन ज़्यादा गर्म हो जाए, अगर लगे आपको कि ये फॉर्म को और मतलब किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रही, तो आपको स्विच निकाल दें उसका, क्योंकि फिर ये चीज़ को पिघलाने लगती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें अगर आप ग्लूगन का यूज करते हैं, और इसमें हाथ वगैरह का भी थोड़ा बचा के करना पड़ता है, ये बहुत गर्म होती है, प्लास्टिक होती है। इस ना देख लें कि ये हमारे पैर तक आ रही है। अब सही है, अब हम इसी तरीके से जहां से हमारे रह गए हैं वहां से हम इसको ऐसे डेकोरेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी डॉल बल्ब बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर लिया, इसे डेकोरेट करना बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। देखिए जो मैंने छोटे छोटे मतलब काट के लगाए थे, इनके ऊपर मैंने छोटे छोटे स्टोन्स लगा लिए हैं, और देखिए व्हाइट कलर की लेस से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया इसका, इसे आप अपने लिए ज़रूर बनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट होम मेकर कविता को सब्सक्राइब करें, और सिलाई से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अभी बन के कम्प्लीट हो चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये डॉल सजाई है फॉर्म से, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से सजाई है। तो चलिए अब हम ये बनाने स्टार्ट करते हैं।